हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरी मटर स्टोर करना बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से हरी मटर स्टोर करते हैं तो सालों बीत जाएंगे लेकिन आपकी हरी मटर ख़राब नहीं हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मटर सर्दियों में आती है और इस समय पर वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है, लेकिन मटर तो हमें पूरे साल चाहिए होती है क्योंकि पुलाव और काफ़ी सूखी सब्जियाँ होती हैं जिनमें हमें मटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसे बीच में स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो में बताए तरीके से मटर स्टोर करते हैं तो मेरा प्रॉमिस है आपकी मटर कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए हरी मटर। मैंने यहाँ पर ली है 2 किलो हरी मटर, जिसके मैंने इस तरह से दाने निकाल लिए हैं और मैच्योर दानों को एक तरफ निकाल लिया है और जो इसमें सॉफ्ट दाने थे उनको मैंने अलग निकाल लिया। आप जब भी मटर स्टोर करें ध्यान रखें इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश या सॉफ्ट मटर की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे, आपके जो मैच्योर दाने हैं स्टोरिंग के लिए आपको केवल वो ही लेने हैं, सॉफ्ट दाने उसमें से हटा देने। सबसे ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए इसके लिए सिंपल प्लास्टिक बैग, जो कि जनरली सब्जियों में हम सभी घर में आता है, या फिर जिप लॉक बैग की जगह आप इस तरह का एक खाली पैकेट जो कि जनरली नमकीनों में आता है जिप लॉक बैग की तरह यूज कर सकते हैं। और जिप लॉक बैग जो कि काफ़ी महंगे आते हैं उस पर होने वाले खर्च को आप बचा सकते हैं। अब हम बस सिंपली जो मैच्योर दाने हैं उनको इस जिप लॉक बैग के अंदर फिल कर देंगे और अब इस पैकेट को अच्छे से बंद कर दें, इसमें हवा नहीं रहनी चाहिए। और जो सॉफ्ट दाने हैं आप उन्हें सब्जी बनाने में या पुलाव बनाने में यूज कर। अब इस पैकेट को आपको फ्रीजर में रखना है और इसके साथ एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी इसे फ्रीजर से बाहर निकालें तो उसमें से अपने यूज करने के लिए मटर निकालने के बाद तुरंत फ्रीजर में रख दें। इस पैकेट को फ्रीजर से निकालने के बाद ज़्यादा लंबे समय तक आपको बाहर नहीं रखना है और देखेगा आपकी मटर कभी भी ख़राब नहीं होगी। मेरे घर पर पता नहीं कब से ये ट्रिक यूज करते आ रहे हैं। इस तरीके से आप सर्दियों में भी, जबकि हमें मार्केट में फ्रेश मटर आसानी से मिल जाती है, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर बिना दाने निकाले मटर को ऐसे ही रखते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में ही मटर के छिलके गल जाते हैं और उन्हें यूज करने का मन नहीं करता है। ऐसे में आप मटर के दाने निकाल कर फ्रीजर में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप केवल 1 या 2 महीने के लिए ही मटर स्टोर कर रहे हैं तो आपको सॉफ्ट दाने को भी अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस तरीके से मटर स्टोर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।